सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह इराक का है। इराक में हुई हिंसा के दौरान उस बस को निशाना बनाया गया जिसमें ईरान के तीर्थयात्री सफर कर रहे थे। अब वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। इराक की राजधानी बगदाद में पिछले दिनों जबरदस्त हिंसा हुई। हिंसा में कई दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। अति सुरक्षित माना जाने वाला ग्रीन जोन इलाका, जहां संसद भवन, तमाम सरकारी इमारतें और दूतावास हैं, अब वो रणभूमि में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं। राष्ट्रपति भवन में रॉकेट लॉन्चर और AK-47 तक से हमला किया गया। हर तरफ अफरा तफरी देखने को मिली। इराक में हो रही हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल तस्वीरों और वायरल वीडियोस की बौछार है। वायरल वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इराक का है। बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने ईरान के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बसों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। इसी दावे के साथ अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, हमारी फैक्ट चेक की टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इराक में हो रही हिंसा की बड़ी वजहों को जान लेते हैं। इराक में ताकतवर शिया नेता और मौलवी मुक्तदा अल सदर ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद इराक के कई शहरों में हिंसा फैल गई। राजधानी बगदाद के अलावा बसरा, नजफ, नासिरिया और हिल्ला में जमकर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, जिसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल इराक में पिछले साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव के बाद भी अंतरिम सरकार से काम चलाना पड़ रहा है। मुक्तदा अल सदर इराक के सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं। वो उदारवादी विचारधारा के खिलाफ हैं। अनुयायी उनकी हर बात मानते हैं। जुलाई में उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद शिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए संसद भवन में जा घुसे थे। इनका मानना है कि वो ईरान के करीब है। अब वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी हमने पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले फ्रेम के रिवर्स सर्च का सहारा लिया। सर्च के बाद हमें 21 अगस्त को AL अहली स्टेडियम नाम से एक हैंडल से ट्विटर पर पोस्ट किया गया वायरल वीडियो मिला। अरबी में कैप्शन दिया गया है कि इस्लामिली प्रशंसक अल अहली प्रशंसकों की बसों पर हमला करते हुए। अब इस क्लू के साथ हमने गूगल सर्च का सहारा लिया, जिसके बाद हमें जो रिजल्ट मिले उसके मुताबिक मिस्र के दो फुटबॉल क्लब के फैंस के बीच ये झड़प हुई थी। एक फुटबॉल क्लब काहिरा का है और दूसरा इस्माइलिया का। 21 और 22 अगस्त की कई ऐसी खबरें भी मिली जिसमें झड़प का जिक्र था, साथ ही तस्वीरें भी पोस्ट की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइली स्पोर्टिंग क्लब के कुछ प्रशंसकों ने 21 अगस्त को मैच से पहले अल अहली स्पोर्टिंग क्लब की फैंस की बस पर हमला किया था। हमले के बाद मैच को स्थगित कर दिया गया था। रिपोर्ट में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि बस चालक समेत कई लोग इसमें जख्मी हुए। आगे की पड़ताल में हमें इसी घटना का एक और YouTube वीडियो भी मिला, जिसमें 16 सेकंड के आसपास बस की विंडशील्ड के पीछे एक फुटबॉल क्लब का लोगो देखा जा सकता है। इस लोगो की मैचिंग जब हमने अल अहली के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर से की तो ये साफ हो गया कि बस अल अहली के प्रशंसकों को ले जा रही थी। पड़ताल के दौरान मिश्र की एक वेबसाइट ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं। वीडियो का इराक की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। वायरल वीडियो मिस्र के दो फुटबॉल क्लब के फैंस के बीच हुए झड़प का है। रिदेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।